हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, सिर्फ यूनिवर्सिटी के सेशन 2024-25 के यूजी एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप BCA कोर्स के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल करने वाले हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एडमिशन फॉर्म फिल करने के सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पे जाने के बाद देखिए हमें वेबसाइट पे ऑप्शन जाता है एडमिशन 2024-25। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम एडमिशन और रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप PhD के लिए अपना यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ में BPED, MPED, MED और LLM के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ में B Pharma के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फॉर्म फिल करना है UG एडमिशन फॉर्म के लिए। तो आपको मिलता है कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2024-25। इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे एडमिशन पोर्टल 2024-25, जहाँ से आपको UG के एडमिशन फॉर्म को यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें मिल जाते हैं रजिस्टर। 17,000 समथिंग स्टूडेंट ने अभी तक UG प्रोग्राम के लिए यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं अपना। साथ ही देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन मिलता है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो यहाँ पे अगर आप UG कैंपस के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, UG कॉलेज के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अलग अलग से ऑप्शन मिल जाएंगे। साथ में अगर आप कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म UG कैंपस के लिए फिल किया है या फिर कॉलेज के लिए फिल किया है, और फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप लॉग आउट हो जाते हैं, तो आप स्टूडेंट पोर्टल पे आके स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करके आप लॉगिन करके दोबारा अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में बात करते हैं, ऑप्शन मिल जाता है अगर आप यहाँ पे UG कैंपस के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, और बात करते हैं आपको UG कॉलेज के लिए भी आपको फॉर्म फिल करना है, तो सेकंड ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे आपको सर्च ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट। इस ऑप्शन में क्लिक करके आप अपनी डिटेल सर्च करके, अगर आपने कैंपस के लिए फॉर्म फिल किया है तो इस ऑप्शन में क्लिक करके आपको कॉलेज के लिए फॉर्म फिल कर लेना है। अगर कॉलेज के लिए आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके फॉर्म फिल कर लिया है, तो आप कैंपस के लिए भी यहीं से फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देखिए कॉलेज लॉगिन से आपको कुछ लेना देना नहीं है। स्क्रॉल करते हैं तो आपको स्टेप मिल जाएंगे ऐसे आपको फॉर्म को फिल करना है। साथ ही राइट साइड में हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे ब्राउचर के, जो कि कॉलेज और कैंपस के लिए है, कैसे फॉर्म को फिल करना है उसके लिंक मिल जाएंगे। स्क्रॉल करते हैं देखिए आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस मिल जाएंगे। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अपना एडमिशन फॉर्म और कोई प्रॉब्लम आती है, तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में मेल एड्रेस पर अपना मेल भी कर सकते हैं। हम स्क्रॉल अप करने के बाद सीट अवेलेबिलिटी की, तो यहाँ पे हम UG कैंपस सीट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, साथ में UG कॉलेज की सीट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो आपको जिस भी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है, और कैंपस में लेना है या कॉलेज में लेना है, उसी हिसाब से आप सीट अवेलेबिलिटी भी चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अपना यहाँ पे BBA कोर्स के लिए, अपने यहाँ पे जो UG कैंप कॉलेज के लिए अपने यहाँ पे चेक करता हूँ कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट अवेलेबल है और कितनी फिल हो चुकी है। तो BBA कोर्स के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, साथ में यहाँ पे अपना जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एडमिशन लेना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में देखिए सिलेक्ट करते हैं, आपके सामने जितनी भी कॉलेज है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, उसकी डिटेल आ जाएगी, उसके अंदर कितनी सीट अवेलेबल है, कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं और कितने अलॉट कर दिए हैं सीट, और कितनी वैकेंट है, वो डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप किसी भी प्रोग्राम की सीट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने कॉलेज हैं जो इस प्रोग्राम को करा रहे हैं उसकी डिटेल मिल जाएगी। सेम तरीके से हम कैंपस सीट अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो कैंपस के अंदर जो भी प्रोग्राम आप करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप उसकी सीट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कितनी सीट अवेलेबल है, कितनी फिल हो चुकी है और कितनी वैकेंट है। तो यहाँ पे आपको सीट अवेलेबिलिटी चेक कर लेनी है। बात करते हैं अब आपको कैसे एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप UG कैंपस के लिए अपना फॉर्म फिल करना है तो UG कैंपस रजिस्ट्रेशन के लिए करना है। अगर कॉलेज के लिए आपको फिल करना है तो UG कॉलेज के उसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो रजिस्ट्रेशन का स्टेप हमारा सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म फिल करने वाले हैं UG कॉलेज के लिए। तो हम यहाँ पे UG कॉलेज रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टेप 1 के अंदर अपना UG कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होगा। सबसे पहले आपको अपनी डिटेल सेलेक्ट करनी है, इसमें आपको 12th की डिटेल देनी है अपनी। तो आपका जो 12th का बोर्ड का नेम क्या है, UP बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है या फिर कोई अदर बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है उसका बोर्ड का नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट का बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद 12th बोर्ड का जो आपका रोल नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है। एप्लीकेंट नेम यानी स्टूडेंट का नेम फिल कर देना है। ये जो डिटेल आप फिल करें वो 10th के बेस पे ही डिटेल फिल कीजिएगा। इसके बाद फादर्स का नेम, मदर्स का नेम फिल कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है स्टूडेंट की। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट का। आधार नंबर में आपको 12 डिजिट आधार की आपको फिल कर लेनी है, जो कि मैंडेटरी है। नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है।
इसके बाद आपको अपना कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपको फिल कर लेना है। इसमें एड्रेस में फुल एड्रेस, स्टेट का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। सेम आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और कंफर्म कर लेना है आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि आपका स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। उसमें एक आपका अपर केस और लोअर केस आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए और नंबर भी होने चाहिए। तो ऐसा आपको एक पासवर्ड 8 डिजिट से लेकर 12 डिजिट का आपका पासवर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है अपना पासवर्ड। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद देखिए टर्म एंड कंडीशन हमारी पहले से एक्सेप्ट रहेगी। इसके बाद राइट कैप्चा फिल कर लेना है और फिर रजिस्टर नाउ के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको SMS के थ्रू आपको मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल एड्रेस पर भी सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें ओके का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखे शो करेगा हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली और आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो आपके यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्लिक करना होता है क्लिक हियर टू कंटिन्यू के ऑप्शन पे। साथ में स्क्रॉल करते देखिए आपको मिल जाते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करने कितने स्टेप आपके बाकी हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक टू कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि हमारा स्टेप 2 रहेगा जो कि हमारा वेटेज यहाँ पे क्लेम करने का स्टेप रहता है। तो देखिए दोस्तों अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और आप लॉग आउट हो जाते हैं अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे लॉग आउट हो जाता हूँ। लॉग आउट हो जाने के बाद देखिए हम आ जाएंगे मेन पेज पे। अब देखिए आपने चाहे UG कैंपस के लिए रजिस्ट्रेशन किया हो या UG कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया हो तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें अब क्लिक करना है स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम लॉगिन पेज पर जाएंगे जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड एड के फिल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट पहले हो चुका है स्टेप 1 पहले हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो अभी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लिक हियर टू एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। जो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल है उसको आप एडिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में आपको अपना वेटेज क्लेम करना होता है रिजर्वेशन के लिए। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हियर टू सबमिट के ऑप्शन पे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जो कि स्टेप 2 जहाँ से हमने अपना लॉग आउट कर दिया था उसी स्टेप पे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे अपना वेटेज क्लेम करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है इनकम ग्रुप। तो आपकी फैमिली की इनकम ग्रुप किस ग्रुप के अंदर आते हैं, आपकी इनकम कितनी है, फैमिली की 2 लाख है, 2 लाख से कम है या कितनी है, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रीजन क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका रीजन है सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है या अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। डोमिसाइल स्टेट क्या है आपका, यानी आप जो कहाँ पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं या फिर अदर स्टेट के अंदर रहते हैं, वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर। तो देखिए दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो नंबर आप दे सकते हैं। अदरवाइज आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है कास्ट और कैटेगरी। तो आपको अपनी यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है किस कैटेगरी अंदर आते हैं आप। जनरल कैटेगरी के अंदर SC ST OBC, तो जो भी आपकी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं जनरल सेलेक्ट करता हूँ। जनरल सेलेक्ट करने के बाद आपको उसमें मिलता है EWS स्ट्रीम। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में अगर आपने कास्ट कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया SC ST OBC और कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो नन भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं आप तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपने माइनॉरिटी स्टेटस को यस किया था तो सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नन मेंशन कर दीजिएगा आप यहाँ पे। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है रिजर्वेशन कैटेगरी। तो आप यहाँ कोई सी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपके पास है तो मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे नन फिल कर देना है। इसके बाद उसमें मिलता है फिजिकल हैंडीकैप है आप तो आपको अपना यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक कर लेना है। इसके बाद स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं आप, यानी आप नेशनल स्टेट या इंटर यूनिवर्सिटी आपने कोई स्पोर्ट्स कोटा आपके पास है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कीजिएगा। इसके बाद वेटेज क्लेम का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके फैमिली में कोई भी पर्सन किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग है तो आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी वेटेज आपको क्लेम करना है। अदरवाइज आपकी फैमिली में से कोई भी मेंबर यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग नहीं है तो आप यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप यहाँ पे NCC NSS वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो आप अपना स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अदर डिटेल के अंदर ऑप्शन मिलता है ABC ID। अगर आपने अपना ABC ID क्रिएट किया हुआ है तो ABC ID आप यहाँ पे नंबर अपना फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अभी ABC ID क्रिएट नहीं किया तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई, चैनल पर आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को देखकर अपना ABC ID आप क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ABC ID नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, जो कि इंपॉर्टेंट है।
तो अगर आपने 12th पास कर लिया है, आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपके पे मेंशन करना जरूरी है। तो इसके बिना आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो आपको अपना माइग्रेंट सर्टिफिकेट कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से आपको या फिर बोर्ड से आपको मंगवा लेना है, वो सर्टिफिकेट नंबर आपके यहाँ पे मेंशन कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे आपको अपनी 10th या 12th की डिटेल फिल करनी है। अगर आपके पास 12th की डिटेल नहीं है तो आप यहाँ पे ITI, पॉलिटेक्निक या इक्विवेलेंट आपको डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 10th की डिटेल फिल कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें अपना बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने 10th अपना CBSE बोर्ड से किया हुआ है तो CBSE बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपने UPP बोर्ड से अपना 10th पास किया हुआ है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है UP बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्रयागराज, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज कोई अदर बोर्ड है आपका, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने 10th पास किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर क्या है आपका 10th का वो मेंशन कर देना है। मार्कशीट नंबर यानी जो मार्कशीट सीरियल नंबर होता है आपका, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको मेंशन कर देना है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ में सब्जेक्ट, जो आपके 10th के सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है, उसके नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। सेम डिटेल आपको 12th की मेंशन कर दी, इसमें आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, UP बोर्ड है या CBSE बोर्ड है, अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट सीरियल नंबर और मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और पॉइंट और सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट मेंशन कर देने हैं। बात करते हैं अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो इस केस में आप यहाँ पे नन फिल कर दीजिएगा। 10th और 12th की डिटेल फिल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आपका 12th का रिजल्ट जो उसकी डिवीजन है वो ग्रेस मार्क्स के कारण चेंज हुई थी तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है, अगर आपके पास 10th क्लास में मैथ्स था या फिर होम साइंस सब्जेक्ट था तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अगर दोनों ही थे तो बोथ सेलेक्ट करना है, अदर सब्जेक्ट है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमें ऑप्शन मिलता है इंटरमीडिएट स्ट्रीम, तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है। आपके पास कौन सी स्ट्रीम थी, PCM, PCB, कॉमर्स ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप, जो भी आप स्ट्रीम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कोर्स एलिजिबिलिटी शो करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे PCM सेलेक्ट किया है तो उस हिसाब से जो कोर्स एलिजिबिलिटी है वो शो कर रही है, यानी जो कोर्स आपको शो करेंगे उसी के आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम PCB के लिए आपको शो कर जाएंगे कोर्स एलिजिबिलिटी क्या है, आप देख सकते हैं किस किस कोर्स के लिए आप अपना यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं जो आपकी स्ट्रीम है। सेम कॉमर्स ग्रुप के लिए, आर्ट्स ग्रुप के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं BCA कोर्स के लिए, तो आपको अपने यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है और फिर सेव एंड नेक्स्ट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको उसमें मिलता है कोर्स और कॉलेज सिलेक्शन का। तो यहाँ पे आपको 3 कोर्स सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिलता है और 3 कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप जिस भी कोर्स सिलेक्शन करेंगे उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं BCA कोर्स के लिए, तो हम तीनों कोर्स के अंदर अपना BCA कोर्स को सिलेक्ट करेंगे और साथ ही हम 3 डिफरेंट कॉलेज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का सिलेक्शन आप यहाँ पे कीजिएगा, कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3। तो यहाँ पे हम कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 के अंदर BCA सेलेक्ट करेंगे और कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3 के अंदर जिस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है वो कॉलेज का नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो डिटेल सेलेक्ट करने के बाद हमें सेव नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा स्टेप 5। स्टेप 5 में हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं अपने फोटो, साइन और डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें फोटो हमें अपलोड करना है अपना, इसका फॉर्मेट JPG और JPEG रहेगा। साइज आपको रखना है 50 KB से लेके 100 KB के बीच में। इसके बाद हमें अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फॉर्मेट हमारा JPEG रहेगा, साइज आपको 10 KB से लेके 50 KB रखना है। बात करते हैं 10th और 12th की, हमें यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी है, इसकी हमें यहाँ पे स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। फॉर्मेट हमारा JPEG और JPEG रहेगा दोनों का, और साइज रहेगा फाइल का 100 KB से लेके 500 KB के बीच में आपको फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। तो बात करते हैं अगर आपका 12th का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है और आपके पास अभी मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो आप रिजल्ट की कॉपी भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेट कर लीजिए, जब आपके पास मार्कशीट आ जाए उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने, इसमें आपको फोटो, सिग्नेचर, साथ में 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। इसके बाद देखिए टर्म्स एक्सेप्ट करना है और सेव नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा स्टेप 6, जहाँ पे हमें अपनी पेमेंट करनी होती है अपने कोर्स की, जो हमने सिलेक्शन किया है कोर्स के, जिसके लिए आपको देखिए यहाँ पे पेमेंट करनी होगी 115 रुपये की। लास्ट ईयर भी आपको 115 रुपये की पेमेंट करनी होती थी, तो यहाँ पे जो पेमेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने के लिए आपको उसमें मिलता है क्लिकर टू मेक पेमेंट ऑनलाइन, इस ऑप्शन पे क्लिक करके हमें पेमेंट करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले, जब आप पेमेंट कर लें तो आपकी पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा अभी यहाँ पे। तो अगर आपकी पेमेंट सक्सेस नहीं होती तो आपको यहाँ पर मिल जाता है कॉल फॉर टेक्निकल क्वेरीज, जिसमें आपको 2 नंबर देखने को मिल सकते हैं, इन पर कॉल करके आप अपनी जो प्रॉब्लम है, इसमें अगर आप पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट कट गई है, पेमेंट शो नहीं कर रही है, उसके रिगार्डिंग आप कॉल कर सकते हैं। फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ भी आप यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करते वक्त,
उसके रिगार्डिंग आप कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। साथ में अगर आपके नंबर नहीं मिलते हैं तो आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है जिसपे आपको ईमेल करना है अपने रजिस्टर ईमेल एड्रेस से, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी कोर्स की डिटेल, अपना नेम, सारी डिटेल मेंशन करके आपको अपनी जो क्वेरी है वो मेंशन कर देनी है, और जो अगर आपने पेमेंट का इशू है आपका तो वो डिटेल मेंशन कर देनी है, और मेंशन कर देना है आपकी प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से मैं आप यहाँ पे पेमेंट के उसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको आपकी डिटेल्स शो करेगी। साथ में पेमेंट आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं। साथ ही QR कोड का उसमें मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके हम QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड में क्या हो आपका, एक रुपया एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर लेता हूँ जल्दी से। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद देखिए आपके सामने फी रिसीप्ट जनरेट हो जाती है, जिसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी और जो आपका स्टेटस है वो सक्सेस शो करेगा। साथ में यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक करके आपको अपने फ्री रिसिप्ट की आपको यहाँ पे कॉपी की इसकी स्लिप की प्रिंट निकाल लेना है, और उसके या फिर आप PDF फाइल में अपने पास सेव रख लेना है। तो ये आपका फाइनल रिसिप्ट होती है। इसके बाद देखिए हमें होम का ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम आ जाएंगे होम पेज पे, जहाँ पे हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, और हमारे यहाँ पे सारे स्टेप्स शो करेंगे। साथ में शो करेगा जो महत्वपूर्ण निर्देश में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है। अब देखिए स्टेप 7 में शो करता है व्यू प्रिंट फिल्ड अप फॉर्म डिटेल। तो यहाँ पे उसमें मिलता है प्रिंट कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपने कैंपस के लिए फॉर्म फिल किया तो कैंपस उसमें मिलेगा। इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपका जो फाइनल प्रिंट है वो आपके सामने शो हो जाएगा, जिसका आपको प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और अपने पास सेव रख लेना है, या फिर इसको PDF फाइल में अपने पास सेव रख लेना है। तो ये आपका फाइनल प्रिंट रहेगा। तो अब आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। तो यहाँ पे देखिए जो मेरिट आपकी लगती है वो आपके मार्क्स के बेस पे ही मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, कुछ नहीं, मेरिट बेस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा जो आपने कॉलेज सिलेक्शन किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, जो कि हमने कॉलेज के लिए अपना यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल किया है।